आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। त्रिकोणीय प्रेम संबंध में पूर्व प्रेमी की हुई हत्या। त्रिकोणीय प्रेम संबंध के कारण एक प्रेमी को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। घटना दुमका जिला के मसलिया थाना अंतर्गत भेलाडीह टोला सहाडी की है। इस त्रिकोणीय प्रेम संबंध में मनोज सोरेन उम्र 25 वर्ष की हत्या मृतक की प्रेमिका एल्विन मुर्मू उर्फ फुडी मुर्मू एवं उसके नए प्रेमी बुधन पुजहर मिलकर कर दी। इन दोनों ने पहले तो मनोज सोरेन को शराब पिलाकर मदहोश कर दिया, तत्पश्चात दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बेल पहाड़ी टोगला जंगल में फेंक दी। बताते चले कि 28 फरवरी 2020 को मसलिया थाना अंतर्गत बेल पहाड़ी टोगला जंगल में पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में जब्त प्रदर्श बैग कपड़ा आदि से अज्ञात शव की पहचान मनोज सोरेन के रूप में हुई थी, जो भेलाडीह टोला सहाडी थाना मसलिया का रहने वाला था। इस कांड में मृतक के परिवार के बयान के पश्चात मृतक की प्रेमिका एल्विन मुर्मू उर्फ फुडी मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। उसके अपराध स्वीकार करने के पश्चात उसके दूसरे प्रेमी बुधन पुजहर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मृतक मनोज सोरेन का मोबाइल जियो कंपनी का बरामद किया। बाद में पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर मृतक का आधार कार्ड बेल पहाड़ी स्थित झरना के डोभा से बरामद किया। इस कांड के उपभेदन की जानकारी आज दुमका जिला के पुलिस कप्तान YBS रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, मसलिया थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने प्रेमी की ही हत्या कर दी है, पूरा मामला क्या है और किस तरह से पुलिस इसे कि घटना जो है 22 फरवरी को ये घटना घटी थी, तो जिसमें जो है एक अननोन शव हमको 28 तारीख को बरामद हुआ था और उसके बाद अनुसंधान के क्रम में 12 तारीख को पहचान हुआ कि उसका जो मृतक का शव है वो मनोज सोरेन का है। उसके बाद जो है हम लोगों ने इंस्पेक्टर अफसर इंचार्ज मसलिया और DSP साहब ने टीम के रूप में काम कर आज जो है उस कांड का जो है उद्भेदन हुआ है, जिसमें बेसिकली ये है कि लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है इनका। मनोज सोरेन जो मृतक है उनकी उससे पहले जो है एल्बम मुर्मू के साथ जो है प्रेम प्रसंग था और उसके बाद मनोज का दोस्त जो है बुधन पुजार उससे दोस्ती हुआ। ये लोग तीनों मिलकर जो है पलासी गांव में उनके यहाँ पर वहाँ पर ये लोग दारू या पार्टी वार्टी मना रहे थे, उसी बीच में झगड़ा झंझट हो गया तो एल्विन और ये जो बुधन पुजार ये दोनों इसको जो है मारपीट हुआ और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा झगड़ा होने के बाद जो है इनको मार दिया गया। उसके बाद ये दोनों एल्विन और बुधन पुजार मनोज का शव को ले जाकर जंगल में फेंक दिया और फेंकने के बाद जो है हम लोग को जानकारी मिला और जानकारी मिलने के बाद जो है हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसके मनोज का आधार कार्ड प्लस मोबाइल जो है बरामद कर लिए और इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में पूरा क्लियरली स्टेट किया है कि ये जो है तीनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था तो इसी बीच में बाताबाती हुई और उसी बीच में जो है उनको